Hello and you're watching Claptrap. We are back again, opening a new segment altogether. This discourse held with the gentleman, the owner of the store, Mr. Lipsy Chadda, is an interesting conversation. I'm sure it's going to be very useful for you as well. So we have come to meet him at his store located at Mansarovar Road. Name of the store is called as House Cart. And the best part is this store is available online as well. You can always go to the Play Store and type House Cart. You will find the app. All right, so talking about this, today we're going to talk about those 14 articles that have been persistently used by all the interior designers, filmmakers, art designers, interior students, Hello, sir, and you and me as well. Let's start with the introduction part now. Thanks a lot and for inviting us. We are into imports from last 12 to 14 years. All right. For those 14 years, ke andar, we are the only one who are doing 14 different items under one roof. Wow. We are not the importer of one items. Mm-hmm. And we are doing 14 different items. जी और उसी को लेके हमने कीर्ति नगर में एक अपना ये हाउस कार्ट के नाम से इंटीरियर मार्ट का है जहाँ पे कस्टमर को वीवी जो प्राइजेस हम दे देंगे नो वन कैन बीट दैट. अच्छा तो वो शॉर्टी हमारी तरफ से आपके जो भी व्यूवर्स हैं उनको हम देंगे तो प्राइजेस व्हाट वी गिव दे विल नॉट गेट इट फ्रॉम एनी वेयर फ्रॉम इंडिया बिकॉज वी हैव दैट पावर. वी आर द इम्पोर्टर्स. वी विल गिव डायरेक्ट टू द कंज्यूमर. तो बीच वाला जो भी सेगमेंट है डिस्ट्रीब्यूटर डीलर डूलर हमने सब कट कर दिया. हाँ जी. तो बेसिकली उनको जो कट मिलेगा 15 से 20-25% सस्ता ही मिलने वाला है हमसे. आई वाज अबाउट टू आस्क यू दिस. WPC लूअर्स, एल्यूमिनियम लूअर्स, बेफल सीलिंग्स, वॉल हाइलाइटर्स, वुडन फ्लोरिंग्स, वॉल पेपर्स, ब्लाइंड्स, वर्टिकल गार्डन्स, फ्लोरिंग्स एंड ऑल द एक्सटीरियर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स from different countries. We are basically bringing from, we are the sole distributor from Mossy Italy, Italy. We are the distributor from number of Chinese company in India. We have our own brand under the name of Virgin. We are doing 7-8 brands. हमारे अपने हैं यहाँ पे House Cart हमारा अपना brand है, Illusions अपना brand है, Virgin अपना brand है, Hackett अपना brand है. We have multiple brands जिनके साथ we have collaborated from last 10 to 15 years. ठीक है सर. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल द क्रिएटिव ऑलरेडी पीपल दोज हु आर क्रिएटिव एंड स्टूडेंट लाइक मी. मुझे बहुत मजा आता है चीजें सीखने के लिए. जैसे आपको मजा आता है अपने बिजनेस में अपने व्यूअर्स को नई चीजें दिखाने के लिए, वैसा ही हमारे साथ है कि हम अपने व्यूअर्स को क्या नया दें. हर एक चीज तो हर एक दुकान पर हर एक चीज मिलती है लेकिन नया क्या. जिनके लिए चीजें नई है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐप पे जाके एक बार जरूर चेक कर लें. ऐप पे आप जाके देखिए. हम ऐप के ऊपर सोनर एक वीडियो कॉल का फंक्शन लेके आ रहे हैं जिसमें अगर आपको कोई भी चीज आपसे बाय करना है तो पहले आप वीडियो कॉल पे आए, हम वो चीज की डेमो देखिए, अपनी डाउट्स क्लियर करें, उसके बाद उस चीज को बाय करें. ठीक है. उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. अगर आपको चाहते हैं कोई विजिट करने के लिए दिल्ली NCR में तो वी विल सेंड अवर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द ऐप, ओनली फ्रॉम द ऐप. डन सर. सो नाउ बाकी जो चीजें हैं वो आपको पूजा जी बताएंगी. हमारी जो मेन जो सेल्स हेड है, जो मनी मैनेजर है स्टोर की, वो और भी आपको चीजें बताएंगी जिससे आपको और अच्छा रहेगा प्रोडक्ट. चलिए लेट्स टेक अनदर राइड नाउ. स्टार्ट करते हैं पूजा जी के साथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. नाइस मीटिंग यू. थैंक यू सर. और हम पूजा जी से मिल ले फिर उसके बाद आपसे फिर मिलेंगे. ओके पूजा जी. सो ये सेक्शन में क्या है हमारे यहाँ पे. ये सेक्शन में हम आपको वॉल हाइलाइटर्स दिखाएंगे जो कि आपकी वॉल्स को हाइलाइट्स करने के लिए यूज की जाती है. इसमें आपके टू टाइप्स की शीट्स आती हैं. जैसे ये हमारे यहाँ पर अभी लगी हुई है 8x2 की शीट्स जी. तो ये 8x2 में भी आती है और 8x4 में भी आती है. 8x4 के मैं आपको सेक्शंस आगे दिखा देती हूँ. ये क्या होता है कि वॉल हाइलाइट्स के लिए यूज होती है. इनको आप डायरेक्ट वॉल पे ना यूज करके प्लाई पे पेस्ट करते हैं. अच्छा. जैसे कि 8x2 की भी प्लाई आती है और 8x4 की प्लाई आती है, उसमें आप इनको यूज कर सकते हैं, वॉल हाइलाइट्स कर सकते हैं. और उसके बाद जैसे कि आप कुछ शीट्स मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप्स में है. ये इस टाइप्स में आती हैं. फिर उसके बाद ये इनलेस टाइप की प्रोफाइल्स वगैरह में लगी होती है. आप इसको क्या कहते हैं कस्टमाइज भी कर सकते हैं. मतलब जब आप वॉल पे लगाते हैं कलर कस्टमाइजेशन भी कह सकती हूँ. और बाकी जब आप इनको वॉल पे, जैसे अभी ये लगी हुई है टू टाइप्स में, ये एक पैटर्न में लगी हुई है. अगर आप इसका पैटर्न अलग करना चाहते हैं तो अगर आप शीट को टेढ़ी करके लगाएंगे तो आपको मिक्स मैच पैटर्न भी बन जाएगा. ओके ओके. जैसे भी शेवन लाइंस बन रहे हैं आप डायमंड्स बनाना चाहें. हाँ जी हाँ जी. उसी टाइप इसमें कुछ और शीट्स भी होंगी जो कि मैं आपको आगे दिखा दूंगी. 8x2 के साइज. हाँ जी. ये सारी अभी 8x2 की है. 8x4 की मैं आपको दिखाती हूँ. ये सारी 8x2 में आती है. अच्छा. ये हमारे पास गोल्डन है, सिल्वर. हाँ जी. गोल्डन हो गई, सिल्वर हो गई. हाँ जी हाँ जी. कुछ क्लासी ये सारे के सारे पैटर्न्स में आती है. इस टाइप में कलर्स भी आप देख सकते हैं. इसमें आपको दो कलर भी हैं, दो तीन कलर्स इसमें और आपको मिल जाएंगे जो कि मैं आपको आगे अभी दिखा देती हूँ. लाइक दिस आप ये देख सकते हैं कि ये है. इसमें वाइट फ्रेम पैटर्न्स में आप देख सकते हैं. ठीक है.
और उसके बाद ये भी सारी अभी 8x2 की शीट्स है ये इस टाइप से. End of 8x2 we will just try to figure out how much does it cost approximately. ये approximately cost आपकी 32,000 रुपए प्लस जीएसटी में आती है. 32,000 रुपीस फॉर अ शीट. हाँ पर शीट 8x2 की शीट जो आपके 30,200 और आसपास होती है. हाँ जी आसपास होती है. ठीक है क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज है तो हर इंडिविजुअल प्राइस बताना थोड़ा मुश्किल है बट आपने एक अप्रोक्सीमेट आईडिया बताया. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. मिनिमम स्टार्टिंग बताया आपने ये. हाँ मिनिमम हमारी यहीं से स्टार्ट होती है इसके बाद आपकी करते करते 6,000 तक में आ जाए जो कि आपकी ये 8x4 की शीट्स है. ओके ओके दीज आर वेरी नाइस एब्स्ट्रैक्ट डिजाइंस. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो इसी टाइप में आपको और कलर्स में दिखा देती हूँ जी. ये 8x4 की सारी शीट्स हैं ये भी आपकी प्लाई पे पेस्ट होंगी. अच्छा. ये आपकी डायरेक्ट वॉल पे नहीं लगती हैं. ओके तो इन्हें आप 8x4 होने से पूजा जी एक फायदा ये भी होगा ना कि आपको जॉइंट्स कम मिलेंगे. हाँ जॉइंट्स कम लगेंगे जैसे 8x2 की शीट्स होती है उसमें आपको जॉइंट्स होते हैं बट जॉइंट्स को भी कवर करने के लिए हमारे पास एक इनली की स्ट्रिप आती है LT टाइप की तो आप उसको भी बीच में लगा देते हैं तो उसमें आपका जॉइंट्स भी कवर हो जाता है. जॉइंट्स कवर हो जाता है उसके बाद क्लाइंट्स को ये भी होता है कि वो जो थोड़ा डिजाइन वहां पर भी आप उसको ले सकते हैं. अगर 8x2 का जैसे कईयों का साइज होता है कि पूरा 8x4 कवर नहीं हो सकता है तो उस 8x4 में क्लाइंट्स मोस्टली यही प्रेफर करते हैं कि वो 8x2 की शीट लगाते हैं. तो 8x2 में क्या होता है कि अगर 8x2 की आप लगाते हैं तो बीच में जैसे 8x2 की शीट के बीच में इनली की स्ट्रिप लगा देते हैं तो उससे भी कवर हो जाता है. ठीक है. और 8x4 में तो फिर आपको पता ही है कि आपका डायरेक्ट पूरा का पूरा पैटर्न लग जाता है. एक रनिंग पैटर्न होता है इनका. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. क्या ऐसा भी है कि 8x4 एंड 8x2 वाले जो साइज है उनके सेम डिजाइन के दोनों में मोस्टली में आ भी जाता है मोस्टली में नहीं भी आता. आपका वेस्टेज थोड़ा कम. हाँ जी वेस्टेज कम हो जाता है वो देखना पड़ता है कि किस टाइप में आ रही है. वो मोस्टली तो है कि मिल भी जाती है और कई बार नहीं भी मिलती है. ठीक है. तो इस टाइप में सारी ये 8x4 की शीट्स हैं आपकी सारी की. आप डिजाइन दिखाते जाइए हम बेसिक क्वेश्चंस पूछते जाएंगे. इनके एप्लीकेटर्स जो होते हैं नॉर्मल कारपेंटर्स इनके एप्लीकेशन. हाँ नॉर्मल कारपेंटर जैसे आपने प्लाई फिक्स किया प्लाई के ऊपर बस प्लाई लग गई एक बार उसके ऊपर पेस्ट होना है उसके बाद इस पे कुछ काम नहीं होता ज्यादा. इनका यूज टीवी पैनल एंटरटेनमेंट यूनिट और हाँ जी बेड के बैक साइड पर आप इसे यूज कर सकते हैं. वॉल कहीं पर हाइलाइट्स करनी है आपको तो उस टाइप से यूज कर सकते हैं. ठीक है. और इजी टू मेंटेन है मतलब इनको क्लीन करने के लिए आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं जैसे हम घर में नॉर्मली डस्टिंग करते हैं जो उस टाइप से आप इन्हें क्लीन कर सकते हैं. ठीक है. जनरली ये सारे के सारे पैटर्न क्रिएट करने के लिए लोग आइदर वॉलपेपर्स ढूंढा करते थे. हाँ जी वॉलपेपर. हाँ वॉलपेपर के टाइम पे ये होता है ना कि अगर वॉल पे सीलिंग आ रही है तो वो खराब हो जाते हैं. बट इनके बीच में अगर जैसे आपकी वॉल पर कहीं पे सीलिंग आ रही है तो आप MDF बोर्ड भी लगा सकते हैं. ठीक है. तो वो सीलिंग से भी आपका हो जाएगा और आपकी वॉल प्रॉपरली हाईलाइट्स भी अच्छी तरह से हो जाती है. अच्छा ये ब्रिक पैटर्न में भी आते हैं. हाँ जी ब्रिक पैटर्न में भी कुछ शीट्स आती है. अच्छा जैसे ब्राउन है फिर आप जैसे क्लाइंट्स पहले मांगते थे कि ब्रिक पैटर्न का हमें वॉलपेपर चाहिए तो उसी में आप ब्रिक पैटर्न की शीट्स भी लगा सकते हैं तो आप ठीक है वहाँ वॉल को वहाँ से भी हाईलाइट्स कर सकते हैं. ये सारी शीट्स तो ये हमारे पास कुछ डिजाइन है और इसके अलावा भी हमारे पास डिजाइन होते हैं. वाओ दिस इज वेरी. उसके बाद 8x2 के कुछ डिजाइन है जो कि मैं आपको आगे दिखा दूंगी. ठीक है. ठीक है तो ये सारे हमारे 8x4 की शीट्स हो. और अभी हम क्या दिखा रहे हैं व्यूअर्स. अभी भी हम वॉल हाइलाइट्स में जैसे कि आप ये 3D टाइप की जो मैं शीट्स दिखा रही हूँ आपको जी. इसमें बैक पर लाइट्स वगैरह लगाकर आप इसे वॉल को हाईलाइट. अच्छा. कर सकते हैं मतलब वो जो इससे पहले हमने देखे थे उनमें बैकलाइट का प्रोविजन. हाँ उनमें बैकलाइट का नहीं था. इनमें बैकलाइट्स पर जैसे बैक साइड पर लाइट्स लगा के आप उसमें कर सकते हैं जैसे मंदिर वगैरह में हो गया वॉल पर लिविंग रूम्स में कहीं पर भी आप इनको पीछे आप इनके लाइट्स लगा सकते हैं. मैं आपको लाइट्स का सिस्टम दिखा देती हूँ यहाँ पर है. अच्छा इनको इंस्टॉलेशन का इनका क्या तरीका है कैसे इनके सिस्टम पर बैक साइड पे जो ट्यूबलाइट्स आती हैं ट्यूबलाइट्स लगाएंगे और इसका प्रॉपर फ्रेम बनेगा वुड से तो लकड़ी का फ्रेम वगैरह बनाकर बैक साइड पे लाइट्स लग जाती है. बैक साइड पे लाइट्स लगी और वुड का चारों साइड पे फ्रेम बन जाता है. अच्छा तो उस फ्रेम के ऊपर जितनी आपको शीट्स लगानी है आप उन शीट से कवर कर सकते हैं. ओके जैसे नॉर्मल एप्लीकेटर जो है वो कर पाते हैं. हाँ जैसे लाइट वाले ने आपकी लाइट्स फिक्स कर दी. लाइट वाले ने आपकी लाइट फिक्स कर दी उसके बाद आप उसको जो कारपेंटर्स होते हैं वो वुडन का फ्रेम बनाते हैं आपकी लकड़ी से फ्रेम बनाकर उसके ऊपर ये शीट्स फिक्स होती है. ओके ओके तो इसमें आप ये जैसे ये भी है सारी शीट्स जिनमें आप लाइट्स देख सकते हैं. जी ये है एक शीट्स. ये सारी शीट्स हैं जिनमें आप लाइट्स का सिस्टम देख सकते हैं. इससे पहले आप चारकोल शीट देख रहे थे जो कि आपके प्लाई पे फिक्स होती थी. राइट. बट जो ये सारी शीट्स हैं इनमें आप लाइट्स का देख सकते हैं. ये न्यू ही लुक हो जाती है. मतलब बिल्कुल, बिल्कुल. शीट्स तो आपकी लगी उसमें 3D पैटर्न्स में आप इसके पीछे बैक साइड पे लाइट्स आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं. व्हाइट लाइट होगी आप कोई भी लाइट. हाँ वो लाइट आप देख सकते हैं जैसे ट्यूबलाइट्स वाले की शॉप से आप लेकर लाइट्स आप इस पे पीछे लगा सकते हैं तो इसमें आप न्यू लुक और कर सकते हैं. ठीक बात है. और ये नाइट में नाइट लाइट का भी काम करते हैं. हाँ मतलब नाइट के टाइम पर आपका और भी जो होगा वो अच्छे से वो इतनी हाईलाइट्स हो जाएगी कि देखने में और भी अच्छी लगेगी. ये सारी वही पुरानी सारी शीट्स जो की शीट्स हैं सारी.
चारकोल शीट्स वो ये अभी हम पूजा जी एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी आपने हमें बैकलाइट दिखाई थी, हाँ जी हाँ जी, बैकलाइट का प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है? बैकलाइट का आपका प्राइस रेंज वही 5,500 से स्टार्ट होता है, बाकी जो कुछ शीट्स हैं 5,500 से स्टार्ट होकर 7,000-8,000 तक भी होती है, वो डिपेंड करता है शीट्स की 3D टाइप पर पैटर्न। अच्छा, किस तरह का उसके अंदर वर्क किया गया उसके ऊपर? हाँ जी हाँ जी, जैसे वर्क डिपेंड करता है कि 3D में कितना कैसा वर्क किया गया उस पर डिपेंड करता है सारा। और बैकलाइट भी जितनी भी है वो 8x2 8x4 दोनों वो में? भी सारी 8x2 में ही आती है, बैकलाइट वाली आपकी 8x2 की ही आएंगी, 8x4 में नहीं आती है। चलिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्विकली हम ये देख लें फिर हम लोग देखेंगे। ये सारी वही है शीट्स, चारकोल शीट है, इन सबको आपको प्लाई पे ही यूज करना है। ये नॉन बैकलाइट है? हाँ जी हाँ जी, ये सारी नॉन बैकलाइट है, इससे पहले जो मैं आपको कुछ दिखा रही थी वो सारी बैकलाइट वाली है। ठीक है, अब इनको मिक्स एंड मैच करके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। इनके साइड में जैसे कि मैं आपको लूवर्स की बात करी थी, मैं आपको कुछ लूवर्स दिखा देती हूँ जो कि आप इनके साइड्स में यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वील चेक आउट सम लूवर्स नाउ। हाँ जी जी, ये लूवर्स हैं, WPC लूवर्स हैं, इन सब की लेंथ 9.5 फिट की आती है। अच्छा, हाँ जी, ये आपकी 9.5 फुट की लेंथ में आते हैं, और इनके साइजेस कैसे होते हैं, 7 इंची भी हैं, 8 इंची भी हैं, और आपके ये 6.5 इंचेस भी आते हैं। ठीक है, इस टाइप्स के आते हैं ये WPC। ये वाला ये कितने इंच में? ये आपका होगा 7 इंची की विर्थ होगी उसकी और 9.5 फिट की लेंथ होगी, ये डायरेक्ट वॉल पे लगेंगे। अच्छा, जैसे कि मैं आपको शीट्स बता रही थी, शीट्स आपने प्लाई पे फिक्स करवा के उसके साइड में आप इन को लगा सकते हैं। ओके, इनको जैसे लगाकर इनके बीच में आप इस टाइप की मैं आपको कुछ स्ट्रिप्स दिखा देती हूँ, ये स्ट्रिप्स आप इनके बीच में लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर लगी हुई है आप। अच्छा, ये स्ट्रिप्स लगाकर, हाँ जी, इससे भी आप वॉल लाइट अपने से हाईलाइट कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से। ओके, इनको भी आपको प्रॉपरली, ये नहीं कि 8 फीट की लेंथ पूरी आ रही है, तो आप इनको कट करके लगा सकते हैं। ओके, आप इनको जैसे कट करके बीच में लगाकर बॉल को अच्छे से और अच्छे से हाइलाइट्स कर सकते हैं। ठीक है, डन। ये हमारे पास कौन कौन से कलर्स में? हाँ, इसमें मैं आपको कलर्स दिखा देती हूँ। इसमें हमारे पास जो कलर्स आते हैं ये 7 इंची by 9.5 फिट की लेंथ में आते हैं, इसमें आपको ये सारे कलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये जैसे ब्राउन ओक में हो गया, वॉलनट कलर्स हो गए, ये जो इसके बाद आए ये सारे हैं। ये भी 7 इंची में है। अच्छा, ये 7 इंची में, बट इनके जो ये स्ट्रिप्स का सिस्टम है ये थोड़ा ये ब्रॉड है ज्यादा। हाँ जी, ब्रॉड हो जाएगा। अब पूरी जो जिनका स्पेस जो है 9 फीट से ज्यादा होता है, जिसकी हाइट 9 फीट से ज्यादा, वहां पर थोड़ा आपको प्लैंक से जॉइंट करना पड़ता है। जैसे कि आप जॉइंट या तो टॉप पर कर दीजिए, क्योंकि जहां पर जॉइंट आपका नहीं दिखता हो, एक तो जैसे टॉप पर ले सकते हैं, दैट्स अ गुड आईडिया। हाँ जी, टॉप पर ले लेंगे तो वहां पर भी आपका जॉइंट नहीं दिखेगा, या फिर जैसे कि अगर हमें पता है कि हमें आगे सोफा या मतलब लाइक आपका बेड यूज करना है, तो आप नीचे की साइड पे आप जॉइंट ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी 9.5 फुट से ऊपर की वॉल। ठीक है, डायरेक्ट वॉल के ऊपर लगते हैं, ये डायरेक्ट बोल के ऊपर लगते हैं। से लगते हैं? हाँ जी हाँ जी, ये क्लिप सिस्टम आता है। अच्छा, क्लिप लगते हैं, जैसे एक प्लैंक के बीच में हमने क्लिप लगाया, क्लिप में स्क्रू कर दिया, एंड देन सेकंड प्लैंक लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद ना आपका क्लिप दिखेगा, ना बैक साइड पे आपको कुछ भी ऐसा कुछ भी स्क्रू वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, डन। ये कुछ डार्क ब्राउन में हमारे पास। हाँ जी, ये जैसे वॉलनट कलर हो गया, उसके बाद वॉलनट कलर के बाद आप ये ग्रे कलर ले सकते हैं, ये भी बहुत नाइस कलर है हमारा। हाँ जी हाँ जी, सबसे ज्यादा सबसे मोस्ट यूनिक कलर तो हमारा वॉलनट हो गया। ओके, उसके बाद आप एक ग्रे कलर देख सकते हैं, जैसे जिसके बीच में स्ट्रिप लगी हुई है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था। अब इनके बीच में स्ट्रिप्स में भी मैं आपको कलर दिखा सकती हूँ कि गोल्डन कलर आता है, रोज गोल्ड कलर आता है, ब्लैक कलर आता है। इनको टेक्निकल टर्म्स में प्रोफाइल बोलते हैं जैसे, हाँ, SS की प्रोफाइल होती है, जैसे SS 304 की जो शीट्स होते हैं उनकी प्रोफाइल है। ठीक है, ये सारी आप ये भी आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं इन प्रोफाइल को भी, जैसे अगर आप करवाना चाहें। ठीक है, ये ग्रे में है हमारे पास। हाँ जी, ये ग्रे कलर है, फिर एक रेडिश टोन कलर है, फिर एक ये ग्रे कलर है, फिर एक लाइट प्लेन ग्रे कलर ले सकते हैं, फिर व्हाइट कलर है, ये पाइन टेक्सचर का कलर है। अच्छा, जैसे कई क्लाइंट्स बोलते हैं, हाँ, रियल वुड टाइप का आप कलर बोल सकते हैं इसको, एक एक कलर आप देख सकते हैं। और ये सब है लेकिन इंटीरियर पर्पस के लिए? हाँ, ये सारे इंटीरियर नहीं, ये एक्सटीरियर पर्पस के लिए नहीं, ये सारे के सारे इंटीरियर पर्पस के लिए, जैसे क्लाइंट्स मोस्टली मांगते हैं ब्लैक ग्रे कलर। हाँ, ये तो बहुत, ये भी बहुत यूनिक कलर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और बहुत सारे लोग तो आजकल इनको बाथरूम में भी यूज कर रहे हैं, जो हमारे बाथरूम में आराम से यूज कर सकते हैं। WPC है, इसे ना धूप मतलब पानी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर पानी होगा भी तो भी इसे प्रॉब्लम नहीं, इसे वाइप अप कर, हाँ जी, कर लीजिए। जैसे सीलिंग वाली वॉल है, क्लाइंट्स को क्या होता है कि अब हमारी वॉल पे सीलिंग आ रही है, वो वॉल पेपर यूज कर नहीं सकते हैं, चारकोल लूवर यूज कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहता है कि आप
ये WBC के लूवर यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ जी, ये सीलिंग के लिए भी आपको क्या कहते हैं यूज हो जाएंगे, और इनके बीच पे प्लाई की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वॉल पे यूज हो जाएंगे। राइट, और इनका जॉइंट का भी इशू नहीं, क्योंकि जॉइंट आप देख सकते हैं इसमें भी आपके मैक्सिमम 3 प्लैंक लगे हुए, और आपको कहीं पर भी क्या कहते हैं एक प्लैंक में भी ये नहीं दिख रहा कि कहां से कौन सा जॉइंट है, क्योंकि बैक साइड पे क्लिप सिस्टम है, इजिली क्लिप से लग जाएंगे, और कहीं से दो कितने प्लैंक लगे हुए कोई बता भी नहीं पाएगा। एग्जैक्टली, ठीक बात है। और कलर वेरिएशन इनमें दिख रहा है अब बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, कलर, हाँ, कलर भी इस टाइम पे बहुत आए हुए हैं, ग्रे है, डिस्ट्रेस ग्रे, हाँ जी, और जैसे ये बेज लेदर कलर है, लेदर टेक्सचर के कलर भी हैं इसमें। ओके, ठीक है, और आप चाहे तो मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, दो तीन कलर से भी, दो तीन कलर से भी आप इसे कर सकते हैं, जैसे थीम हमारी वॉलनट या व्हाइट की थीम हो जाती है, व्हाइट या ब्लैक की थीम, तो आप उनसे भी इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे अभी आपने जो स्टार्टिंग में देख रहे थे, पहले 20 mm में की थिकनेस में देखे, फिर उसके बाद 25 mm की थिकनेस में, अब ये जो थिकनेस है ये हमारे पास 15 mm की थिकनेस में। अच्छा, इसमें भी थिकनेस आती है, तो थिकनेस के हिसाब से आप देख सकते हैं। Alright, ये पूरा डिसीजन कि आपको कितने mm का थिकनेस लेना है वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कलर्स भी ऑलमोस्ट इसमें सारे वैसे ही हैं, सिमिलर। हाँ, मोस्टली कलर्स तो सारे एक ही जैसे चलते हैं, तो ये सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल होते हैं। ओके, जैसे एक सतवारियों का कलर है। अच्छा, सतवारियों स्टोन, सतवारियों स्टोन का जैसे। हाँ जी, अच्छा, अरे वाह, अच्छा, इसमें बुक मैच भी हो रहा है पूरा सतवारियों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बुक मैच भी, हाँ, पैटर्न भी उसी हिसाब से आप बनता जाता है जब लग रहा होगा तो। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा है ये। हाँ जी, हाँ जी, ये सारे आपके जो सारे ही के सारे थे ये आपके इंटीरियर में लगने वाले हैं। अच्छा, बाकी ये है जो आपका एक एक्सटीरियर में यूज हो सकता है। ओके, ये क्या मटेरियल में? ये आपका SPC में है। अच्छा, स्टोन पाउडर कंपोजिट में, SPC में आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब लाइक धूप आ रही है, धूप पानी से इसको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हमारी स्टार्टिंग रेंज में आते हैं। अच्छा, ये दूसरा सेक्शन है हमारा, अगर किसी को ऐसे लूवर ऐसे वर्टिकल एरिया में लगाना है तो वहाँ तो है ही है। हाँ जी, हाँ, इसके अलावा आप इसको एक्सटीरियर में भी लगा सकते हैं। एक्सटीरियर में भी यूज कर सकते हैं, एक्सटीरियर में धूप वगैरह से, पानी से, और क्या कहते हैं, कोई नहीं, हाँ जी, कलर फेडिंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, कलर फेडिंग बैंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सटीरियर में चैनल्स वगैरह पे लगते हैं, चैनल्स वगैरह में डायरेक्ट क्या कहते हैं वॉल पर चैनल लगकर पीछे चैनल की फ्रेमिंग होकर ऊपर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर सीलिंग पे लगना तो GI ग्रेड वगैरह बनते हैं? नहीं, वो भी चैनल होते हैं, दो सेक्शन आता है, उसके अंदर लक्कड़ डाली जाती है, लक्कड़ डाल के डायरेक्ट ये क्या कहते हैं वॉल पर लग जाते हैं। ठीक है, और ये तो हीट इंसुलेशन का भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जब धूप से ही उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये, बाकी ये भी आपके ये कुछ इंटीरियर के ही कलर्स हैं। अच्छा, ये दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। हाँ जी, ये कलर्स भी बहुत यूनिक कलर्स है, ये इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों के लिए। हाँ, इसमें हमारे पास जो कलर आता है इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में आता है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे पैटर्न्स क्रिएट करते हैं हम, अक्सर इस बारे में अपने चैनल पे भी बात करते रहते हैं। हाँ जी, कि हाँ, लूवर्स जो है वो अच्छे वर्टिकल लाइंस क्रिएट करते हैं आपके। ओके, ओके। स्पेस को एक इल्यूजन क्रिएट होता, हाँ, है हाइट, हाँ, का, है ना, ये बहुत सारे ऑप्शन अच्छे। हाँ जी, ये है। भी एक ऑप्शन है जी, जो कि आप देख सकते हैं, ये 150 mm की थिकनेस में है। ठीक है, मतलब 150 mm की इसकी विड्थ आएगी, 43 mm की इसकी थिकनेस है, 9.5 फीट की लेंथ आती है। ऑलराइट, प्राइस पार्ट हमने मिस कर दिया क्योंकि हम क्रिएटिविटी में। प्राइस पार्ट आप ले लीजिए, स्टार्टिंग 130 स्क्वायर फीट से लेकर 210 स्क्वायर फीट तक जाता है इंटीरियर का सारा का सारा। ओके, और एक्सटीरियर वाला? एक्सटीरियर वाला हमारा जो स्टार्टिंग है 235 रुपए स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 420 स्क्वायर फीट तक है। ओके, ठीक है, हाँ जी, डिजाइन बहुत सारे हैं। हाँ, डिजाइन तो बहुत सारे, राइट 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 राइट, ठीक है। ये भी हमारा इंटीरियर के सेगमेंट है हमारा, ये भी अभी इंटीरियर के लूवर्स है। अच्छा, इंटीरियर के लूवर्स हैं, ये थोड़े फ्लैट हैं। ये फ्लैट है, ये 9 mm की थिकनेस में है। अच्छा, ऑलराइट, सो वी कंटिन्यू हियर। तो ये आपके फ्लैट में आएंगे, ये 9 mm की थिकनेस में आते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट, ये भी आपके WPC लूवर्स हैं जो कि डायरेक्ट वॉल पे लगते हैं। ओके, हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें हमारे पास सिस्टम अभी दो कलर अवेलेबल है। अच्छा, एक बेज लेदर कलर है, एक ग्रे कलर है, उसके बाद ये भी एक फ्लैट में आपके पास हमारे पास लूवर है जो कि आप देख सकते हैं, ये इस टाइप में। जनरली वेयर डू पीपल प्रेफर दीज काइंड ऑफ लूवर्स, दीज आर द फ्लैट वंस, तो इनको कहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं? बेड के बैक पैनलिंग, बेड के बैक साइड पर आप इसे क्या कहते हैं कट करके कस्टमाइज में जिगजैग पैटर्न्स में लगा सकते हैं। मैं आपको एक पैटर्न दिखा देती हूँ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनली ऐसे करके। हाँ जी, हाँ जी, ये लूवर जो 9.5 फीट की लेंथ में आएगा, आप इसको क्या कहते हैं कट करके शेप्स में इस टाइप से भी लगवा। ठीक है, हाँ जी, इसमें प्रोफाइल लाइट्स भी लगाई हुई है, साथ में रोज गोल्ड की स्ट्रिप्स भी लगाई हुई है। प्रोफाइल लाइट्स के साथ आप एक इसमें नया सिस्टम क्या कर सकते हैं, डिमर लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि डिमर लगाने से क्या होगा, आप इसको सिर्फ टच करेंगे डिमर को और आपकी लाइट्स ओपन हो जाएंगी। ओ, और इसमें कोर सिस्टम है, जैसे कि आप इसे थोड़ा प्रेस करके रखेंगे
तो लाइट जो है कि वो बिल्कुल डिम हो जाएगी। अच्छा, ये डिम, ये प्रोविजन भी हमारे पास है, लाइट्स हाँ, हमारे पास? हाँ जी, लाइट्स का भी हम करवा देते हैं, बाकी डिमर से आप ये चीज भी देख सकते हैं, जैसे आप इसे टच करके रखेंगे बिल्कुल डिम हो जाएगी। ओह, वेरी नाइस। फिर आप इसे टच करेंगे तो आप इसको लाइट्स को इस टाइप से भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ जी, ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा है। Going to see louvers now, but upar I am attracted to the ceiling. Okay, very creatively used louvers हैं जो आपने ऊपर यूज़ किए। हाँ जी, यही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 20 mm की थिकनेस में जो WPC के louvers दिखाए थे, आप इसे सीलिंग पे भी क्रिएट कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पैटर्न क्रिएट किया। हाँ जी, आप इसमें लाइट को जैसे क्या कहते हैं डिजाइन में कट करवा के लगवाएंगे तो मतलब सीलिंग में इस टाइप से भी कट करके लगवा सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ कि ये जैसे louvers मैंने आपको बताया थे इंटीरियर में यूज होते हैं, बट जैसे कई क्लाइंट्स की सीलिंग होती है एक्सटीरियर में जहाँ की उनको लगता है कि उनके 1% की भी धूप नहीं आनी है। जी, 1% भी लगता है धूप बिल्कुल नहीं आनी है। ठीक है, तो वो धूप वाले एरिया में मतलब एक्सटीरियर की सीलिंग पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, कि सीलिंग पर इसी टाइप से आप लगा कर जहाँ की आपका धूप नहीं आनी है वहाँ पर लाइट्स वगैरह देख कर उससे भी आप क्या कहते हैं अपनी एक्सटीरियर को हाईलाइट अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करें। हमारे पास कुछ और लूवर्स के डिजाइन हैं यहाँ पे। ये इस टाइप से भी आप सीलिंग पर क्या कहते हैं पैटर्न्स को बना सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसी पैटर्न को क्या कहते हैं जिग जैग करके या किसी भी शेप में आप एक्सटीरियर की सीलिंग वगैरह या आपके लिविंग रूम की, बेडरूम की, कहीं की भी सीलिंग है उनके बीच में इस टाइप से भी लगवा सकते हैं। ठीक है, उस टाइप से वहाँ पर भी एक पैटर्न बना हुआ है, अब जैसे वो भी आप ऊपर पैटर्न देख सकते हैं। राइट, ठीक है, इस टाइप से। बाकी आपका एक टीवी का एक वॉल पैनल है। अच्छा, टीवी के बैक साइड पर जो कि हम करते हैं, ये हमारा सतवारियों का बोर्ड है। Okay. जो कि 8.5x4 की में आता है और 5 mm की इसकी थिकनेस होती है। WPC का बोर्ड है क्या? लैमिनेट्स हैं? नहीं, ये WPC बोर्ड है। अच्छा, ये अलग सेक्शन है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, हम लूवर्स के सेक्शन हम समझ ये लूवर्स के सेक्शन में ही आ जाएगा। अच्छा, ये टीवी जैसे हमारा टीवी जहाँ पे लगता है उस टीवी के पैन मतलब क्या कहते हैं टीवी के बैक साइड पर जैसे हमने WPC के बोर्ड लगा दिया, इसमें भी हमारे पास 4-4 कलर हैं जो कि आते हैं। ये सतवारियों पैटर्न में है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जैसे जॉइंट्स वगैरह पे आप होता है ना कि दो शीटें जॉइंट्स करने पर बीच में जॉइंट ना दिखे, तो उसके बीच में ये टी आती है। टी प्रोफाइल होता है। हाँ, टी प्रोफाइल होती है। ये टी प्रोफाइल से आप लगवा कर पूरे बोर्ड को आप हाईलाइट्स कर सकते हैं। अच्छा, इन बोर्ड्स की भी हमारे पास और चॉइसेस हैं? इसकी बोर्ड की हमारे पास 4 कलर की चॉइस है। अच्छा। एक आपको सतवारियों में मिल जाएगा, एक आपको प्लेन व्हाइट में इस टाइप का कलर मिल जाएगा, बिल्कुल प्लेन। अच्छा, जो फैब्रिक फिनिश में? हाँ, थोड़ा फैब्रिक फिनिश में हो जाएगा। एक आपका नेचुरल टीक फिनिश का आता है। अच्छा। तो ये आपको 3-4 कलर मिल जाते हैं। बाकी आप इन बोर्ड को एक आ, मैं आपको इन बोर्ड की ओर दिखा दूं। जैसे कि क्या होता है जब हम बोर्ड को क्या कहते हैं ऐसे कट करके दो जगह पर जॉइंट्स करने होते हैं तो उनके बीच में ऐसे जॉइंट्स दिखते हैं, बट इस बोर्ड में आपको क्या है जब आप इसको ऐसे मोड़ कर दो जगह में लगाते हैं तो आपका जॉइंट्स नहीं दिखता, जो एज है वो नहीं। हाँ, वो बिल्कुल नहीं दिखता। जैसे कि अगर हम चारकोल के लूवर्स लगाते हैं, चारकोल के लूवर्स देख ले हम लोग कैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ आपने क्या अप्लाई किया हुआ है फिर बोर्ड में? इसी बोर्ड के जैसे बीच में हल्का सा आप यहाँ से बीच में कारपेंटर्स कट करेंगे और वो कट करके इस टाइप से मोड़ देंगे कि आपका एज बेंडिंग बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अच्छा, बिल्कुल क्लियर जो मॉड्यूलर किचन में होता है जैसे वैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, जनरली मशीन से होते थे काम। हाँ जी, जो कि बिल्कुल इसमें कटिंग बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा मैनुअली हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल मैनुअली हो जाएगा। इसके साइड में आप लूवर्स लगा के टीवी का जो बैक साइड है उसको भी हाईलाइट अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, डन। और इसके बीच में जो स्पेस दिया हुआ है हमने वहाँ पे 3D का बैक, इसके बैक पर प्लाई यूज हुई है। बैक पे प्लाई यूज होकर और क्या कहते हैं प्लाई उसको बीच में लाइट्स लगी हुई है। ठीक है, ये भी सारी 8x2 की शीट्स हैं। 8x2 के? हाँ जी, सारी 8x2 की शीट्स हैं सारी। अच्छा, लवली। काफी सारे इनमें डिजाइन्स एंड पैटर्न्स। हाँ, इसमें काफी डिजाइन्स और पैटर्न्स हैं जी। इसमें 3D लुक्स की भी सारी शीट्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं तो 3D टाइप्स में आएंगी। अच्छा, 3D टाइप की मैं आपको कुछ शीट्स दिखा देती हूँ, जैसे कि ये फैब्रिक वाली आप जो शीट्स देख रहे हैं इसमें आप ये कलर जो को है कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, जैसे कि कलर जो भी होगा आपका फैब्रिक का आप इसमें कलर अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आप इसमें ये भी चॉइस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो मेटल है मेटल वर्क है उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं क्या? ये मेटल वर्क को? हाँ, हाँ, ये मेटल वर्क में कुछ शीट्स हैं जो आपकी कस्टमाइज हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है, और इसमें देख रहे हैं शेवरॉन लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन है, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है, इसमें हो जाएंगी। जैसे कि आपने ये शीट यहाँ पे पीछे देखी थी उसमें कईयों पे इस टाइप का पैटर्न है, तो कईयों में इस टाइप का पैटर्न आपको मिल जाएगा, जैसे ग्रे के साथ रोज गोल्ड की स्ट्रिप है तो इसी में ग्रे के साथ आपका गोल्डन स्ट्रिप्स भी आ जाएगा। दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। हां जी, जनरली हम अपने इंटीरियर डिजाइनर्स को देखा करते थे, वो किस तरह से क्रिएटिवली इनको इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा लुक क्रिएट होता है इनसे। हां जी, फीचरबल बनाने के लिए लोग अच्छा यूज करते हैं।
जितने भी आपके पास दिख रहे हैं इन सब में एक एज पे बैंडिंग है, एज पे प्रोफाइल लगे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, ये इसी टाइप से जैसे कि क्या कहते हैं आपने वॉल पे लगाया है, वॉल के एंड पर आप इसी टाइप की एल मोल्डिंग आती है। अच्छा, तो इसी रोज गोल्ड की स्ट्रिप में, अगर आपको रोज गोल्ड की स्ट्रिप में चाहिए रोज गोल्ड की ले सकते हैं, गोल्डन में चाहिए तो गोल्डन भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ये एसएस की आती है तो एसएस की आप लगाकर उससे भी क्या कहते हैं हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आपने पूरी शीट्स लगा दी वॉल पर, उसके बाद आप हाईलाइट कर सकते हैं इनसे साइड में लगाकर ना, तो उससे भी प्रॉपरली वॉल आपकी अच्छे से हाईलाइट हो जाती है। ये क्या रेंज में, ये जो हम ऊपर देख रहे थे पीछे, ये आपकी, ये भी आपकी जो प्लेन वाली, इसके अंदर जो मैंने आपको जितनी भी प्लेन वाली दिखाई ये भी 3200 रुपए की रेंज में है, जीएसटी इसमें एक्स्ट्रा रहेगी। और बाकी जो आपकी 3D टाइप्स में देख रहे हैं आप, ये 3D वाली थी, और जो मैंने आपको फैब्रिक वाली दिखाई थी वो आपकी 6500 की रेंज में रहेगी। ठीक है, और विल कंटिन्यू दिस और दिखा दें कुछ डिजाइन हमारे व्यूअर्स को। हाँ जी जी, आप बता रहे थे कि जैसे कि ये वाली है आपकी, ये फैब्रिक वाली है, इसमें भी आप कलर अपना चेंज कर सकते हैं। ये सारी 6500 की शीट्स है। 6500, हाँ जी। और बाकी इसमें मैंने आपको जो इंडियन स्ट्रिप वाली दिखाई थी वो 5500 के अप्रोक्सीमेट आती है सारी शीट्स। अच्छा ठीक है, ये जैसे आपकी 3D टाइप्स में हो गई, आप देख लेंगे इसमें भी आपको कलर्स मिल जाएंगे, कलर चॉइस आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, 3D वाली, क्योंकि हाइलाइटर्स है मेनली, आप एक जगह के लिए एक रूम में आप 2-3 शीट ही लगाते होंगे। हाँ, वो इनके साइड में आप जैसे 3D टाइप की शीट्स लगा के वॉल हाइलाइट्स में, मैं आपको कुछ लूवर्स दिखा सकती हूँ जो कि आप इनके साइड में लगा सकते हैं, उससे भी आपकी वॉल प्रॉपरली बहुत अच्छे से हाईलाइट्स हो जाती है। जैसे कि बीच में आपके फुल वॉल में आपने कुछ पैटर्न्स में आपने ये शीट्स लगा दी, और उसके साइड में आप लूवर्स लगा सकते हैं, चारकोल्स के आते हैं, WPC के आते हैं, तो वो लगाकर अभी आप अपने वॉल को हाइलाइट्स अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पे आप दिखा पाए हमारे व्यूअर्स को, बाकी कलेक्शन बहुत बड़ा है। हाँ जी हाँ, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ से भी, ऑनलाइन सिस्टम से भी कर सकते हैं आप, हमारे नंबर्स वगैरह पे भी जाके सारा कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट सर, सो वी हैव टेकन अ टूर, इट वाज फैंटास्टिक, वेरी ओवरवेलमिंग, एंड हमेशा ही क्यूरियोसिटी रहती थी हमको कि ये सब चीज़ें इंटीरियर डिजाइनर्स कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ यू हैव ओपन द सीक्रेट टू ऑल आवर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। एक सीक्रेट अभी आपके लिए बाकी है। ऑलराइट, ठीक है। अब परचेज का सबको होता है कि यार इतने दूर है, दे आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, वो यहाँ कीर्तिनगर तो आ नहीं सकते जी लेने के लिए जी, कोई बेंगलोर बैठा है, कोई कलकत्ता बैठा है, कोई हैदराबाद बैठा है, तो उन सब के लिए हमने एक ऐप इंट्रोड्यूस कर दिया। उस ऐप के अंदर वी आर सेलिंग डायरेक्ट टू द कस्टमर्स, उसके अंदर आप जाइए वहाँ से परचेज करिए, वहाँ पे आपको जो यहाँ के ऑफर्स हैं सेम ऑफर्स आपको उस ऐप पे मिलेंगे। उस ऐप के हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ डाल दी है कि अगर कोई चाहता है कि मैं देखो फोटो से तो कोई चीज़ परचेज करूँगा नहीं, इंटीरियर की आइटम है, लोअर की आइटम है, तो क्या क्या कैसे परचेज करेंगे, तो हमने वहाँ छोटा सा एक साइट विजिट का एक इंट्रोड्यूस करा ऑप्शन, जिसके अंदर मेरे जो भी वेंडर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपकी साइट पर लाइव कैटलॉग्स लेके आएंगे, वो लाइव कैटलॉग से आपके सैंपल्स को दिखाएंगे, आपसे अप्रूव करवाएंगे, और फिर आप देखने के बाद हमारी ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। तो बेसिकली वी आर कमिंग टू यू, और ये सर्विस अभी हमने लुधियाना, दिल्ली, दिल्ली एंड NCR, बेंगलोर, हैदराबाद अभी शुरू की है, विच विल बी लाइव इन 15 डेज, और बाकी जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा हम अपनी सर्विसेज और सिटीज़ के अंदर लाएंगे। ओके सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर है, आई थिंक हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगी। हाँ, अभी हाँ, और बेसिकली हम इनवाइट भी करना चाहेंगे जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं जी, जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, कि आप आइए हमारी ऐप पे आइए, आप अपने आप को फ्री में रजिस्टर कराइए, वी विल प्रोवाइड यू द लीड्स, क्योंकि हमसे जो परचेज करेगा वो कहेगा सर आप हम डिजाइन भी आप ही कर दो, क्योंकि हमारे पास रेगुलर रोज के क्वेश्चंस हैं कि सर वी नीड डिजाइनर्स। ओके, तो हमने ऐप के प्लेटफॉर्म के ऊपर सबको खोल दिया कि ये नंबर ऑफ डिजाइनर्स, अभी हमारे साथ 500 से 600 डिजाइनर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, दे आर गेटिंग लीड्स फ्रॉम दैट ऐप। आप जाइए ऐप पे, जिस डिजाइनर को आपको अच्छा लगता है आप उसको चूज करिए, उसके साथ बैठिए, हमारी ऐप पे ये प्रोडक्ट्स भी आपको वहीं मिलेंगे, डिजाइनर भी आपको वहीं मिलेंगे, तो आपको इधर उधर जाने की लोड नहीं है। और जो रेट्स हम कह रहे हैं हम उसके ऊपर पूरी कमिटमेंट के साथ आपको पूरी अपनी बता रहे हैं कि उस रेट्स पे आपको कहीं प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वी चैलेंज इट फॉर दैट प्राइसेस। ठीक है सर, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। अब पॉइंटर्स की हेल्प से आपने तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, पॉइंटर्स की हेल्प से हम एक एक करके पॉइंटर्स बताएं अभी, तो परचेज करने का तरीका यह है या तो कॉल कर लें आपके नंबर पे, हमारे पास पहला ऑप्शन हमारे पास आप डायरेक्ट कॉल करें, दूसरा ऑप्शन आप हमारे को हमारी ऐप कर सकते हैं, तीसरा हमारे जो स्टोर्स हैं आप जो स्टोर्स अभी दिल्ली एंड लुधियाना के अंदर अभी हैं उस पर विजिट कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन है जो हमारे डीलर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं मल्टीपल सिटीज़ में, वे हम आपको उनके
उनसे टाई अप करवा सकते हैं उनका। ठीक है, डन।